लॉकडाउन के दिन चले घूमने? गोविंदा, अबे ये क्या हुआ? अबे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अबे फोन आती मेरी साइकिल से। अबे यहाँ कहाँ से आ जाते हैं? गोविंदा, सो हे गाइस, जैसा कि आप सबने देखा मुझे एक चीक ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो कृपया करके लॉकडाउन पे घर पे रहे और सुरक्षित रहे। अबे पनौती फिरा क्या तू? घर पे रहो, घर पे लॉकडाउन चल रहा। तो गाइस, ये RS 200 है और ये बाइक का क्लच है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी बाइक महीने तक खड़ी रहनी, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो आपको अपनी बाइक को अगर अच्छे से रखना है, उसकी केयर करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करें, बाइक को ऐसे खड़ा ना करें। सबसे गलत बात ये कि आप बाइक को ऐसे खड़ा करेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका क्लच ऐसे ही रहता है महीने तक, गाड़ी खड़ी रहेगी, तो आपकी क्लच प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से दब जाएंगी और क्या होगा, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और इस पर तो किक भी नहीं होती, आपको पता है RS 200 पे किक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि खास कर क्या होता है, बुलेट और ये सब बाइकों में ये प्रॉब्लम आती है। अगर एक हफ्ते, दो हफ्ते या तीन हफ्ते बाइक खड़ी रहे और आप क्लच ऐसे ही छोड़ दें बिना कुछ करें, तो उनकी क्लच प्लेट चिपक जाती है, तो उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती। उसके लिए सीधा सा एक उपाय है कि आप क्लच दबा लें और किक मारे, बाइक पे मारते रहे, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी बाइक पे क्लच बिना दबाए अगर बाइक को खड़ी रखते हैं, तो हमारे पास तो किक है नहीं, कैसे स्टार्ट होगी। तो आप सिंपल सा फंडा है, इसको क्या करें, एक कपड़े से इस तरीके का थोड़ा सा फाड़ लें और क्लच यूँ दबा के उसमें अच्छे से कपड़ा लपेट लें और ज़ोरदार इस पर गांठ लगा लें, जिससे क्या होगा, आपकी बाइक खड़ी भी रहेगी और आप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अपनी बाइक की आप घर पे बैठे बैठे टेक केयर कर सकते हैं। अगर अपनी बाइक के लिए आप इतना सा टाइम दे देंगे तो शायद आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स ना हो, तो शायद आपको ज्ञान मिल पाया हो। तो बाइक वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सब बाकी है।